Hi everyone. Chapter 10 ka pehla classification, that is from section 172 to 174, padhenge hum is video mein. So usse pehle, let us see what is all there in the first classification. So pehla hai avoidance of prevention of summon, notice or order. Section 172 se leke 174. Ye padhenge hum is video mein. तो पहला सेक्शन 170. अच्छा, पहले समझते हैं कि इस प्रोविजन का मतलब क्या है. 172 से लेके 174 में किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दिया गया समन या कोई भी नोटिस किसी पब्लिक सर्वेंट ने इश्यू किया हो या किसी कोई ऑर्डर दिया हो, इसको अगर जनरल पब्लिक या फिर जिसके लिए पर्टिकुलरली डायरेक्ट किया गया हो, इनकेस ऑफ समन, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं या एब्सकॉन्ड करते हैं, तो ये प्रोविजंस ट्रिगर होंगे. सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. तो चलिए समझते हैं सेक्शन वाइज. पहला सेक्शन 170. सेक्शन 172 कहते हैं एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन और अदर प्रोसीडिंग. अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने एक समन या नोटिस इशू कर दिया है एंड एक अक्यूज्ड को जिसके जिसके लिए इशू हुआ है वो समन या नोटिस या ऑर्डर, उसको नॉलेज है कि वैसा कोई समन इशू हुआ है उसके अगेंस्ट एंड उससे बचने के लिए वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, कहीं छुप रहा है. सो दैट मेन इंटेंशन उसका क्या है कि वो अवॉइड करे समन को, नोटिस को या ऑर्डर को, ताकि वो उस पर सर्व ना हो. एग्जाम्पल लो, एक वारंट ऑफ अरेस्ट है पुलिस के पास, वो वारंट है ताकि किसी एक पर्सन एक्स को कोई अरेस्ट करे. एक्स को नॉलेज है कि वैसे ही एक समन इशू हुई है, वारंट ऑफ अरेस्ट उसके अगेंस्ट इशू हुई है, बट एक्स उससे बचने के लिए एब्सकॉन्ड करता है. ये 172 के अंदर फॉल करेगा. इसका इंग्रेडिएंट समन, नोटिस और ऑर्डर हैज बीन इशूड, सेकेंड इशूड बाय अ पब्लिक सर्वेंट. सेक्शन 21 डिस्कस है ऑलरेडी, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है पब्लिक सर्वेंट कौन होता है. थर्ड, पब्लिक सर्वेंट इज लीगली कॉम्पिटेंट टू इश्यू सच समन, ऑर्डर और नोटिस. अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो चीजें कॉमन हैं जो सारे इंग्रेडिएंट्स में कॉन्करेंटली रन करेंगे. क्या है? सबसे पहला कि पब्लिक सर्वेंट के पास लॉफुल अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो वैसे समन्स को इशू करे. एक पुलिस ऑफिसर कोर्ट ऑफ जस्टिस के सम ड्यूटीज को नहीं ले सकता है. कन्वर्सली, कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टेप इन नहीं कर सकती है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के शूज में. तो ये डिफरेंस है हर जगह 172 से लेके 190. अब थर्ड, फोर्थ इंग्रेडिएंट की अक्यूज्ड को नॉलेज है एक्स को, हमारे एग्जांपल के केस में एक्स को ये नॉलेज था कि उसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू हुआ है. एंड फिफ्थ, उस वारंट ऑफ अरेस्ट से बचने के लिए अक्यूज्ड हैज एब्सकॉन्डेड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सकॉन्डेड? देखो यहाँ पे मीनिंग ऑफ एब्सकॉन्डिंग, जनरल मीनिंग एब्सकॉन्डिंग का हम देखें तो ये होता है एब्सकॉन्ड. आप कैसे करोगे? या तो अपने घर में रहकर करोगे लेटेस्ट है, या फिर आप कहीं चले जाओगे ताकि आप मिल ही नहीं रहो. आपके घर पुलिस गई नॉक करती है आपको ढूंढने के लिए, एंड योर वाइफ टेल्स द पुलिस नो ही इज नॉट देयर प्रेजेंट इन योर होम. ये सारी सिचुएशन है मीनिंग एब्सकॉन्डिंग की. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मीनिंग ऑफ एब्सकॉन्डिंग. लूपहोल पे आएंगे हम सेक्शन 172 का. अभी हमें ये समझना है, ये तो एक जनरल फॉर्म हमने पढ़ा अभी एक्सक्यूज मी, सेक्शन 172 का. 172 में अगर आप समझो एक ऐसा समन इशू हुआ है जहां पे समन की ये रिक्वायरमेंट है कि आप पर्सनली प्रेजेंट हो या आप अपने लीडर के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू प्रेजेंट हो, या आपको रिक्वायर किया गया है कि आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो कोर्ट में, और इन सब में अगर आप अवॉइड एब्सकॉन्ड कर रहे हो समन को, तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म है.
नॉर्मल फॉर्म के लिए 172 मतलब अगर ये फर्स्ट बिना aggravated form वाले कॉलम में हम फॉल करेंगे तो पनिशमेंट है 1 month सिंपल imprisonment अप टू 1 month with and और फाइन ऑफ अप टू ₹500 और aggravated form का है सिंपल imprisonment अप टू 6 month और फाइन अप टू ₹1000 एंड ये फाइन्स एंड पनिशमेंट सेम ही आपको रन करते जाएंगे ऑल थ्रू आउट 1 महीना 6 महीना कई एक ऑफेंसेस है जिसमें 3 साल तक के लिए वो हम डिस्कस करेंगे बट पनिशमेंट बहुत कम है चैप्टर 10 के अंदर अब लूप होल क्या है 172 में लूप होल है इसके इंग्रेडिएंट में हमने देखा कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट कहता है समन नोटिस ऑर्डर हैज बीन इशूड प्रोसेस इशू हो गई है और आप समझो एक सिचुएशन है जहां पे समन इशू ही नहीं हुई है और फिर भी एक्यूज गायब है और उसको नॉलेज है कई बार ऐसा होता है कोर्ट के अंदर जैसे किसी एक्यूज की जान पहचान है या सम फ्रॉम समवेयर ही कम्स टू नो अबाउट द फैक्ट दैट प्रोसेस हैज बीन इशूड अगेंस्ट हिम पर वो उसको इशू हुई नहीं है अभी तक होने वाली है इशू और वो उसी टाइम एब्सकॉन्ड कर जाता है वो सेक्शन 172 यहां फेल हो जाता है ये एक लूप होल है अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन 173 कहता है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन 172 में क्या हो गया हम एब्सकॉन्ड कर रहे हैं 172 के अंदर आपको समन इशू हो चुकी है और वी आर एंड आफ्टर इशूइंग और इशुएंस ऑफ समन वी आर एब्सकॉन्डिंग वेयर एज 173 में हम प्रिवेंट कर रहे हैं वी आर प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स हम सर्विस होने ही नहीं दे रहे या तो खुद के लिए या किसी और के लिए इंग्रेडिएंट देखते हैं सबसे पहला अगेन समन नोटिस ऑर्डर हैज बीन इशूड पब्लिक सर्वेंट ने इशू कराई हो सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट हो वैसे समन्स को इशू कराने में अक्यूज्ड को नॉलेज हो ऑफ इशुएंस ऑफ सच समन एंड अक्यूज्ड या तो खुद इंटेंशनली खुद प्रिवेंटिंग का मतलब आप देखो मैं समन सर्व ही नहीं होने दे रहा हूँ सक्सेसफुल सर्विस ऑफ समन होने ही नहीं दे रहा हूं मैं पिछले वाले एग्जाम्पल में मैं तो एब्सकॉन्ड कर रहा हूँ भाग जा रहा हूँ छुप कहीं मैं छुप जा रहा हूँ ताकि मुझ पे सर्व ना हो इस वाले केस में एज एन एक्यूज्ड मैं समन पहुंचने नहीं दे रहा हूँ सर्व नहीं होने दे रहा हूँ डिफरेंस है दोनों में बहुत जैसे एक्स एक पर्सन है एक्स के भाई के अगेंस्ट समन इशू हुई है और मैं सर्विंग ऑफिसर को पहुंचने ही नहीं दे रहा हूं तो ऐसे में मैं क्या कर रहा हूं प्रिवेंट कर रहा हूं प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन कर या उसकी पब्लिकेशन को मैं स्टॉप कर रहा हूं लेट्स से कहीं दीवार में अफिक्स करना है समन को सर्विस ऑफिसर को मिला नहीं अक्यूज्ड जिसको समन देना था और आफ्टर ड्यू डिलीजेंस कहीं पता नहीं चल रहा है जिनको समन देना है वो अपने घर पे है नहीं तो उसके घर के पास एक कॉन्स्पिशियस प्लेस में जाकर कहीं चिपकाने का एक रूल होता है सीआरपीसी के अंदर उसको मैं प्रिवेंट उसको अफिक्स होने नहीं दे रहा हूँ या अफिक्स हो गया मैं उसको निकाल के फेंक दे रहा हूँ कहीं तो ये सारी एग्जाम्पल्स हो गई 173 की फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स आप देखो कि अक्यूज्ड इंटेंशनली प्रिवेंट्स द सर्विंग ऑन हिमसेल्फ या तो खुद पे और सर्विंग ऑन एनी अदर पर्सन राइट और इंटेंशनली प्रिवेंट्स द लॉफुल अफिक्सिंग हमने अभी बात करी चिपकाने की या और इंटेंशनली रिमूव्स एनी सच समन नोटिस और ऑर्डर्स फ्रॉम एनी प्लेस अगेन ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर सर्विस ऑफिसर लेट्स से उसने अफिक्स किया हो किसी कंस्पिशियस प्लेस पे अगर अक्यूज्ड बंदा मिला नहीं उसको जिसको समन देना था और उसने उस समन को उसके घर के बाहर चिपकाया और मैंने वो समन उखाड़ दिया तो ये सारी सिचुएशंस कवर हो रही हैं यहाँ 73 के अंदर 173 के अंदर अब इसकी aggravated form क्या है अगर इन सब के अंदर आपका act fall हो रहा है तो 1 month और 500 rupees
imprisonment up to 1 month or fine of 500 rupees. Aggravated form क्या है इसका? इसका है कि similar है 172 के अंदर. ऐसा हो कि अगर समन ये require कर रही थी कि personal attendance हो या किसी feeder authorized agent के through या किसी document के production के लिए समन में requirement हो या attendance or production must be with respect to court of justice. यहाँ पे ये जितनी रिक्वायरमेंट है या पर्सनल अटेंडेंस की या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की या अटेंडेंस थ्रू एन एजेंट हो, ये सारी विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट ऑफ जस्टिस है. किसी पुलिस ऑफिसर ने आपको पर्सनली बुलाया हो तो ये कवर्ड नहीं है इसमें. ये था एग्रीवेटेड फॉर्म. अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 174. 174 डिस्कस करते हैं नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट. एज अ पब्लिक सर्वेंट मैंने एक ऑर्डर निकाला है कि आपको किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस चौकी में, आपको पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में आपको पहुंचना है और मैंने आपको एक इसकी एक ऑर्डर की आपको नोटिस दे दी. आपको टाइम सील, आपको सिग्नेचर सब कुछ है. मैंने आपको बता दिया कि आपको 10 बजे पुलिस चौकी पहुंचना है, एक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ जांच है, बातें करनी है, आपको यहाँ पहुंच जाना है. इट इज डन बाय स्टेशन हाउस ऑफिसर लेट से. और आप इंटेंशनली उसको रिफ्यूज कर रहे हो, नॉन अटेंडेंस हो रही है, आप जाने से मना कर दिया आपने या आप जा नहीं रहे हो जिस टाइम पे आपको बुलाया गया हो, ये 174 ट्रिगर हो जाएगा इसमें. 174 सिंपल. अब इसके एग्रीवेटेड फॉर्म क्या है? एग्रीवेटेड फॉर्म यही कहता है कि जहां पे आपको प्रोसेस रिक्वायर्स है, आपको लेट से पुलिस ऑफिसर ने पर्सनली बुलाया हो या किसी एजेंट के थ्रू बुलाया हो या किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने को कहा गया हो, तो ये उसकी एग्रीवेटेड फॉर्म है. Aggravated form के लिए punishment क्या है? Simple imprisonment up to 6 month और fine of 1000 rupees. आप देखो इसमें difference क्या है? इसमें है aggravated form में देखो आप court of justice missing है. पिछले में हमने क्या पढ़ा? Attendance must be with respect to court of justice. यहाँ भी 172 के अंदर भी must be with respect to court of justice. देख रहे हो? तो ये था 172 से लेके 174. अब देखो आप इसमें क्या होता है. 174 के अंदर आपको समन्स है, टाइम अच्छे से मेंशन होना चाहिए, प्लेस, एड्रेस, सील ऑफ कोर्ट अगर कोर्ट ने बुलाया है, लेट से साइन ऑफ द जज. तो ये सारा हेल्ड हुआ था आपको लैटोमॉल वर्सेस एम्पीरियल में. नेक्स्ट अप एक बहुत लेटेस्ट केस है विजय माल्या वर्सेस ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये भी विथ रिस्पेक्ट टू वन सेक्शन 174 है. ऑल्दो सेक्शन 174 के अंदर विजय माल्या बुक हुए नहीं थे, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था एंटरटेन करने को. सेक्शन 174 के अंदर लीगल वैलिडिटी फुलफिल नहीं हो रही थी, बट तब भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि जस्ट क्योंकि आप लेटर्स ऑफ लॉ के अंदर फॉल नहीं कर रहे हो तो आप स्पिरिट ऑफ लॉ को डिफीट नहीं कर सकते. ईडी की जो नोटिस थी वो 174 को फुलफिल नहीं कर रही थी. कोर्ट ने सिंपली हेल्ड किया यू कैन नॉट इवेड द स्पिरिट ऑफ लॉ, देयरफॉर एक एग्जेम्पलरी कॉस्ट इम्पोज किया उन पे 10 लाख रुपीज का. कहा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी को आप एक 10 लाख का एग्जेम्पलरी कॉस्ट था जो LSA पे जाना था. ये एक सिमिलर प्रोविजन केस लॉ था विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 174. ऑल्दो इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हुए बट स्टिल स्पिरिट ऑफ लॉ को अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन विजय माल्या वर्सेस ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. दिस वाज ऑल ऑन सेक्शन 172 से 174 तक. नाउ नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द रिमेनिंग सेक्शंस ऑफ चैप्टर 10 इन डिटेल.